तो जय श्री राम सभी को। कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो भाई एक बार फिर से हम आपके लिए टीवीएस की स्टार सिटी प्लस का एक फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो भाई अब शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी रुकावट के। और सबसे पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जो कि होने वाली है इसकी प्राइजिंग। तो भाई एक्स शोरूम प्राइजिंग और ऑन रोड प्राइजिंग क्या होने वाली है इसकी। एक्स शोरूम प्राइजिंग इसकी 77,900 होने वाली है और ऑन रोड प्राइजिंग आपको 94,000 के आसपास आपको इसकी ऑन रोड प्राइजिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं ऑल ऑफ बाइक के बारे में। तो भाई फ्रंट से बात करते हैं हम सबसे पहले, और फ्रंट में आप लेकर आ जाते हैं। फ्रंट में आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आती है भाई हेडलाइट। हेडलाइट इसकी ज़्यादातर लोगों के ये होता था कि भाई हेलोजन, तो हेलोजन अब टीवीएस ने ख़त्म कर दी है। और भाई फुल आपको एलईडी में हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि फुली एलईडी हेडलाइट इसकी होने वाली है। तो भाई हेडलाइट के बाद में बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि आपको हेलोजन बल्ब में ही इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। नीचे आपको नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, जो कि 31mm के आसपास आपको इसके सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर इसका मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है काफ़ी शानदार, काफ़ी टॉप नोच इसकी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। अब उसके नीचे आते हैं भाई इसकी टायर साइज के बारे में और इसके अलॉय व्हील के बारे में। भाई आपको 17 इंची का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा और ट्यूबलेस टायर होने वाला है। टायर साइज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 2x75 का आपको इसमें टायर साइज देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्यूबलेस टायर होने वाला है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की या इसके दिल की। तो भाई इसका दिल या इंजन कितने सीसी का इसका इंजन है वो होने वाला है। तो भाई 110 सीसी का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करते हैं इसकी पावर की, जो कि 8.08 आपको BHP की पावर देखने को मिलती है। और यहीं पे बात करते हैं इसके न्यूटोमीटर टॉर्क की, जो कि 8.7 Nm की न्यूटोमीटर टॉर्क आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 4500 RPM पर आपको देखने को मिलती है। 4-speed गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंड हो गया, मेन स्टैंड हो गया, सिंगल हॉर्न के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। ऊपर बात कर लेते हैं इसके पेट्रोल टैंक की, जो कि आपको 10 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो आपको E20 की बैजिंग के साथ में देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ E20 बकायदा, आपको E20 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो E20 की बैजिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है। वहीं पर आपको इस फ्यूल टैंक पर आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि क्रोम में होने वाली है। स्टिकर आपको साइड में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो बाइक की जो मेन जो स्टिकर होने वाले है स्टार सिटी प्लस, जो कि यहाँ पर आपको क्रोम कलर की क्रोम में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी ब्रांडिंग काफ़ी तगड़ी लग रही है भाई, बाइक भी काफ़ी अच्छी है और इसका जो रिव्यू है काफ़ी शानदार इसका रिव्यू होने वाला है। भाई आगे बात करते हैं, आपको फुल इसका जो चैन कवर होता है या चैन गार्ड होता है वो देखने को मिल जाता है, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको रियर में आपको ड्रम में ही ब्रेक देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 2 variant देखने को मिलते हैं, एक डिस्क में होता है, एक ड्रम में होता है। हमारे पास अवेलेबल है भाई ड्रम में, हमारे पास दोनों वेरियंट अवेलेबल है, आप एक बार शोरूम में चेकआउट कर लेना। साइड यहाँ पे आप देख लेना, साइड गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। रियर का जो टायर साइज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। 3.17 का आपको रियर का जो टायर साइज होने वाला है वो देखने को मिल जाएगा। रियर का भी टायर साइज आपको ट्यूबलेस में ही देखने को मिलता है। फ्रंट और रियर में आपको दोनों सेम टायर साइज देखने को मिलते हैं। फुटरेस्ट वगैरह हो गए आपको यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। गेयरबड़ हो गया, साइड स्टैंड हो गया, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है इसकी। तो भाई एक चीज़ और मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि सीट हाइट इसकी और ग्राउंड क्लियरेंस। भाई 175mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और यहीं पे बात करते हैं सीट हाइट की, तो जो कि आपको 785mm के आसपास इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है। रियर में आप देख सकते हो ट्यून स्पार्क सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। रियर में एग्जॉस्ट, अभी जो इसकी एग्जॉस्ट साउंड होने वाला है वो मैं अभी आपको सुना देता हूँ। तो भाई बात कर लेते हैं सीट की, जो कि आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। राइडर और पिलियन दोनों में काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाएगी। गैप रेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। और पीछे की बात कर लेते हैं, पीछे की पोर्शन की आप चेकआउट कर सकते हो, दोनों साइड में इंडिकेटर हो गए। टेल लाइट की बात करते हैं, जो कि आपको हेलोजन में टेल लाइट देखने को मिल जाती है। भाई 110 सीसी की बाइक है और इसमें आपको किक और सेल्फ में दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके जो कि हैंडल बार के बारे में, और इसका जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल होने वाला है उसके बारे में। तो भाई हैंडल बार में आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। पासिंग सीट्स हो गया, लो बीम हाई बीम हो गया, साइड इंडिकेटर हो गया, हॉर्न एक बार मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। हॉर्न भी काफ़ी इसकी शानदार होने वाली है। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में बात करते हैं इसके सेमी डिजिटल मीटर के बारे में, जो कि आपको 140 तक आपको इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। दो मोड आपके इसमें देखने को मिलती है, पावर में और इको में, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इस साइड में आपको जो पेट्रोल का ऑप्शन होता है वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ट्रिप मीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, टैकोमीटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर और फ्यूल वाला ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, पावर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, साइड स्टैंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी मैं साइड स्टैंड लगा हुआ है, भाई ये ऊपर कर दिया। तो भाई सारे नेविगेशन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं।
तो भाई अब जो मेन चीज होने वाली है इसका माइलेज, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैं सबसे लास्ट में कर रहा हूँ कि इसका माइलेज कितना माइलेज निकाल के देती है। तो भाई आपको 65 से 70 का माइलेज आपको KMPL निकाल के दे देती है ये बाइक, जो कि TVS की स्टार सिटी प्लस होने वाली है। काफ़ी तगड़ी होने वाली है बाइक, बाइक में कोई कमी नहीं है और माइलेज काफ़ी अच्छा है, शानदार माइलेज है। तो भाई ये हो गया अपना पूरा डिटेल रिव्यू, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नए वीडियो में।